सपोज करो कोई एक हिल है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और रेंज है सो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा, तुम डाउन द इंक्लाइन और से ग्रेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो रेन 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तुम डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहे हो सो दैट कि रेन तुमको इस हिल के परपेंडिकुलर गिरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो रेन हिल के परपेंडिकुलर तुमको दिख रहा है, तुमको बताना है किस स्पीड से मूव कर रहा है, क्वेश्चन समझ गया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड रेन जा रहा है और तुम इधर की तरफ डाउन द इंक्लाइन जा रहे थे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी निकालना है, तो रेन को जो है सो अप द इंक्लाइन झुकाना होगा और अप द इंक्लाइन झुकाने के बाद रेन इसके परपेंडिकुलर हो जा रहा है हिल के, तो ये 30 डिग्री एंगल है, ये वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से देख सकते हो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ये 10 है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 10 साइन 30 डिग्री, ये 5 आ जाएगा, यानी तुम्हारा वेलोसिटी डाउन द हिल 5 मीटर पर सेकेंड होगा, समझ गए। और एक आदमी जब 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है तो रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और जब अपने वेलोसिटी को बढ़ा के 10 मीटर पर सेकेंड कर लेता है सेम डायरेक्शन में तो रेन वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे चला आता है, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से गया उस समय रेन वर्टिकली दिख रहा है, जब वेलोसिटी को बढ़ा के 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया तब रेन वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे है, तो तुमको बताना है रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी कितना है, वर्टिकली बनाओगे तो जो सिचुएशन है पहले उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना है, अब 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ दिख रहा है, यानी रेन ओरिजिनली वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, उसके मूव करने से वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, तो रेन कुछ इधर की तरफ होगा, और जब इसको 5 मीटर पर सेकेंड से हम लोग एक तरफ झुकाते हैं तब ये वर्टिकल हो जाता है, ये समझ में आ रहा है, तो इस रेन को जब हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ झुकाएंगे तब ये वर्टिकल हो रहा है, और जब इस सेम रेन को 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ झुका रहे हैं, इसको यहां से यहां जब ला रहे हैं तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल हो रहा है, यानी यहां से यहां जो है सो 5 है और यहां से यहां 10 है, ये समझ में आया, और ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि यहां 5 है तो ये भी 5 होगा, यहां से यहां 5 है, यहां से यहां 10 है तो यहां से यहां 5 होगा, तो ये 5 है 30 डिग्री है, ये 5 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी है कौन, ये वाला, तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो रेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे, बात समझ में आया, आसान था, इस क्वेश्चन को अगर तुम उससे बनाते हो वेक्टर अलजेब्रा से बनाते हो तो तुम करोगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन को जो है सो कुछ मान लोगे से कि ए आई प्लस प्लस नहीं माइनस वर्टिकल कंपोनेंट रेन के वेलोसिटी में हमेशा हम लोग निगेटिव लेंगे क्योंकि रेन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो हम रेन के वेलोसिटी को ए आई माइनस बीजे मान लिए, फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है तो उसको 5 आई हम लोग लिख सकते हैं, और अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में इसमें से आदमी की वेलोसिटी को घटा देंगे, आदमी की वेलोसिटी को घटाओगे तो ये आ जाएगा ए माइनस 5 आई माइनस बी जे, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेलोसिटी वर्टिकल है तो a माइनस 5 जीरो के बराबर होगा, यहां से a का वैल्यू 5 चलाएगा, ये समझ में आया, सेकेंड केस में आदमी का वेलोसिटी बढ़के 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो वेलोसिटी 10 आई हो जाता है, और तब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सेकेंड केस में
इसमें से 10 को 10 आई को घटाएंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 10 आई कैप माइनस बी जे कैप, और a के जगह 5 रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 आई कैप। अब हम लोग को पता है कि ये वेक्टर वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट tan 30 डिग्री के बराबर होना है। तो 5 by b ये इक्वल होगा tan 30 डिग्री के, यहां से b का वैल्यू चला आएगा 5√3, ठीक है। तो रेन का वेलोसिटी हो जाएगा 5 i कैप माइनस 5√3 j कैप, और वेक्टर के टर्म्स में मिल गया तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, देख सकते हो मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा, और डायरेक्शन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं 30 डिग्री पे आ जाएगा वर्टिकल से। आइडिया समझ गए? तो जहां पे डायग्राम बन जा रहा है वहां पे तुम डायग्राम से बना लोगे, काफी क्विक है, हम लोग को बहुत कम काम करना पड़ता है। लेकिन अगर डायग्राम बनाने में परेशानी हो रहा है, जो कि शुरुआत में होगा जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो उस समय डायग्राम सारे क्वेश्चन में बनाने में तुमको दिक्कत होगा। अगर वैसा हो रहा है तो आराम से तुम वेलोसिटी को मान लो, और दो वेरिएबल होगा वेलोसिटी, अगर तुमको निकालना है रेन का तो उसमें दो वेरिएबल होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और तब तुमको दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, तुमको दो कंडीशन दिया होगा जिससे दो तो इक्वेशन आएगा, बात समझ गए, और तब उस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। सपोज करो आदमी जब से कि 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जाता है, तो रेन जो है 30 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तब रेन उसको वर्टिकल से 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट दिखाई देता है। जब वो अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को पलट लेता है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ जाने लगता है, तब वो 60 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ गया, रेन 30 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट है, और जब अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा कर लिया है तब रेन 60 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट है, तो बताना है रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग को यह पता है कि जब किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो रेन इस वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे है, और जब अपना डायरेक्शन पलट ले रहा है तो रेन इससे 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। मतलब रेन का कुछ ओरिजिनल वेलोसिटी होगा, उसको 5 मीटर पर सेकेंड से एक तरफ झुकाते हैं तो रेन यहां पहुंचता है, 5 मीटर पर सेकेंड से दूसरी तरफ झुकाते हैं तो रेन यहां चलाता है, समझ में आ रहा है। तो जो रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी होगा सो इसके ठीक बीच में होगा, इसको 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ झुकाया है तो यहां से एंगल 30 डिग्री बन गया, और 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ झुकाया है तो यहां से एंगल 60 डिग्री बन गया, ठीक है। और ये 5 है, ये 5 है, डायग्राम समझ में आया? तो ये 5 है, ये 5 है, ये कितना होगा? 5 हो जाएगा, कैसे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो पॉइंट है सो उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है, और सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इतना जो बात बोले सो समझ में आया कि सब 10वें में छोड़ के आ गए थे, ठीक है। तो जो है जस्ट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस कारण से इसका जो मिड पॉइंट है, इस हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट इसका सरकम सेंटर हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा तो जितना डिस्टेंस इस वर्टेक्स से होगा उतना ही इस वर्टेक्स से होगा, उतना ही इस वर्टेक्स से होगा, तो ये वाला जो लेंथ है सो 5 आ जाएगा, तो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन का जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर 60 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये समझ में आ रहा है।
इसके बाद इस ट्राइंगल में तुम देखोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो रेन वर्टिकल से 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। समझ में आया, मजा आया, ठीक है। इसको तुम वेक्टर अलजेब्रा से भी बना सकते हो, और वेक्टर अलजेब्रा से बनाने के लिए क्या करना होगा, तुम रेन के वेलोसिटी को कुछ मान लोगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस नहीं माइनस बी जे कैप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। इसमें 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इनिशियली 5 आई कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में यह आ जाएगा a माइनस 5 आई कैप माइनस बी जे कैप, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो वेक्टर है, तो ये हम लोग ईस्ट ले रहे हैं, ये वेस्ट है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये वेक्टर वर्टिकल से 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट है, यानी इधर की तरफ 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है, यानी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का निगेटिव और वर्टिकल कंपोनेंट का निगेटिव, वर्टिकल कंपोनेंट भी निगेटिव में होना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निगेटिव में होना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो 10-30 डिग्री के बराबर आना है, यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको निगेटिव कर दो, तो 5 माइनस ए ले लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट माइनस बी है उसमें निगेटिव हटा दो बी, ठीक है। ये आना चाहिए 10-30 डिग्री के बराबर, और तब एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 5 रूट 3 या बी प्लस ए रूट 3 इज इक्वल टू 5 रूट 3, इसको इधर ले जाओगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास चला आएगा। सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो माइनस 5 आई कैप है, डायरेक्शन को पलट ले रहे हैं, तो 5 आई कैप की जगह वेलोसिटी माइनस 5 आई कैप हो जाएगा, और तब इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा वो अब ए प्लस 5 आई कैप माइनस बी जे कैप आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेक्टर वर्टिकल से 60 डिग्री पे इधर की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट का निगेटिव, नीचे है तो वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव आएगा, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट का निगेटिव ये 10-60 डिग्री के बराबर होगा, यानी a प्लस 5 डिवाइडेड बाई बी रूट 3 के बराबर आएगा, और तब यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा b रूट 3 माइनस a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को हम रूट 3 से गुना कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन को जो है रूट 3 से गुना करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दो, तो इसको जब रूट 3 से गुना करोगे ये आ जाएगा 3b, और ये a रूट 3 आएगा जो इसे a रूट 3 को खा जाएगा, और यहां पे 5 रूट 3 है, वहां 5 रूट 3 है, ये आ जाएगा 10 रूट 3 और 3b प्लस b यहां 4b आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 या 5 बाई 2 रूट 3 आ जाएगा। और अब a का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू इतना हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से हम लोग को पता है a इज इक्वल टू b रूट 3 माइनस 5, और b का वैल्यू ये आ जाएगा 5 बाई 2 रखेंगे तो यहां पे जो है सो ये आ जाएगा 15 बाई 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 बाई 2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा 5 by 2 i cap minus 5 by 2 root 3 j cap, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 आ जाएगा, डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय वर्टिकल करोगे तो 1 by root 3 आएगा, तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे होगा, पास में आया।
तो वेक्टर अलजेब्रा से बना सकते हो, शुरुआत में ये रिलेटिवली सिंपल लगता है क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम जस्ट लिखते हो जो दिया हुआ है वो सब बात लिख देते हो, जो कंडीशन है उसके लिए इक्वेशन लिख देते हो, इक्वेशन को सोल्व कर देते हो। जो ज्योमेट्रिक मेथड है वो रिलेटिवली क्विकर है पर दिमाग लगाना पड़ेगा, तो या तो हाथ चलाओगे नहीं तो माथा चलाओगे, दोनों में बैलेंस रहेगा ना, जिस चीज में माथा ज्यादा चलाना है उसमें हाथ कम चलाना होगा, जिसमें माथा कम चलाओगे तो हाथ ज्यादा चलाना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।